खास तबका जो 1000 से ज्यादा नहीं है पूरे मुल्क के अंदर, जिसने अदालतों को जकड़ दिया है, अदलिया के निजाम को जकड़ दिया है, सारे मुल्क के ठेके उनके पास है, पूरे मुल्क के रियासत के वो हाकम है, कानून से बालातर है, आईन से बालातर है, खुदा की कसम कहता हूँ, पार्लियामेंट से बालातर है, पार्लियामेंट की टांगे कांपती है उनका नाम सुनकर। उनको अल्लाह ताला ने मेरी जबान दी है, हौसला है, और पीटीआई के वाहिद शख्स में अपनी क़यादत को भी कहता हूं कि उनके नाम लो, ताकि उनको हम नंगा करें, जिस तरीके से एक सेनेटर के साथ जो सलूक हुआ, सिटीजन सारी दुनिया हैरान है कि क्या किसी ऐसे मुल्क के अंदर ये मुमकिन है। जैसे मैंने उस दिन सुप्रीम कोर्ट का कहा था कि मैं तो मर चुका हूं, आपको बेलबास कर दें तो मर जाते हैं आप, मैं इसलिए सिर्फ जिंदा हूं, इन भेड़ियों को इंशाल्लाह ताला बेनकाब करूंगा। तो मैंने इमरान खान को कहा, खान साहब मैं बताऊंगा कि ये कौन है। इस हिम्मत से इसलिए जिसकी लाश अंदर है, उस परवरदिगार की कसम, अगर एक लफ्ज भी मैं झूठ बोलूं, एक कदम में पीछे हटू। इसलिए अब हकीकी आजादी के लिए जो इमरान खान निकला है, पूरी कौम को बताता हूं, सारे पार्लियामेंटेरियन को बता, बंद करो इस पार्लियामेंट को, तुम एक प्रोडक्शन आर्डर जो है नहीं दे सकते, बैठे हो बड़ी बड़ी कुर्सियों के ऊपर, इसलिए कि तुम्हारा हाकम वो है जिसके पास तुम्हारी वीडियो है, तुम्हारी फाइल है, और अल्लाह के फजल से जो है इसकी कोई फाइल नहीं, इसलिए कि ये मुल्क को देता है, ये लेता नहीं। बंद करो इसको, और इस दस्तूर को भी जदा दो, इसलिए कि वो दस्तूर से बालातर है, उस सुप्रीम कोर्ट के जो हमारी अदालत उजवा है, इसके सामने इस सीनियर वकील ने और सीनियर पार्लियामेंटेरियन ने, दादा और नाना ने जाकर क्या कहा, क्या मुल्क अब तक। इसलिए इस जुल्म के निजाम को हमें इंशाल्लाह ताला लपेटना होगा। वादा करता हूं आपसे, जिस वक्त इंशाल्लाह इसकी तदफीन होगी, इंशाल्लाह मैं दो नाम बताऊंगा, उस वक्त तक मैं माफी चाहता हूं, इसलिए कि पूरी दुनिया आपके इस आपके साथी को, हमारे साथी को, उसमें हम मसरूफ हैं। मैं नहीं चाहता कि ये हेडलाइन बने।